क्या किसी का नाई किसी के लिए इतना खास हो सकता है कि वो अगर कटाए तो सिर्फ उसी नाई से बाल कटाए, वरना वो बालों को किसी और को छूने न दे। कुछ ऐसा ही रिश्ता है पवन सिंह और उनके बाबर का। जी हाँ, हम आज आपको पवन सिंह के बाबर से मिलवाने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पवन सिंह आज से नहीं, कई सालों से उनसे बाल कटा रहे हैं और पवन सिंह को उनके हाथों की इतनी अच्छी आदत पड़ी हुई है कि जिसे पवन सिंह कहते हैं कि चाहूं तो भी नहीं छुड़ा सकता। इनके अलावा अगर मेरे बालों को किसी और ने काटा है तो पता नहीं क्यों मुझे, जब तक मैं आकर इनसे बाल नहीं कटवा लेता तब तक मुझे दिल में तसल्ली ही नहीं पड़ती। पवन के बारे में बोलते हुए उनके बारबर भी कहते हैं कि पवन भैया आज से नहीं, कई सालों से, ये रिश्ता बड़ा ही पुराना है और बड़ा ही अलग है। जब भी पवन सिंह आरा होते हैं तो ये मैं जान जाता हूँ कि पवन भैया एक आध दो दिन में तो ज़रूर यहाँ आएंगे, और जैसे ही वो आते हैं मैं समझ जाता हूँ कि मेरा काम क्या है। उनसे मेरा रिश्ता मेरे काम की वजह से जुड़ा, लेकिन आज वो मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। खैर, वैसे भी हर एक स्टार का स्टाइलिस्ट होता है, वैसे स्टार जितने होते हैं उनके स्टाइलिस्ट होते ही होते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि पवन सिंह अपने जूते की लेस अपने स्पोर्ट बॉय से तक नहीं बनवाते। इसका खुलासा खुद पवन सिंह ने निशांत के साथ इंटरव्यू में किया। साथ ही साथ पवन सिंह कहते हैं उनसे जितना हो सकता है वो अपना काम खुद करते हैं, अपने बॉय को नहीं बोलना पसंद करते। वैसे इन दिनों पवन सिंह अपने लुक के लिए भी लेकर काफ़ी चर्चाओं में हैं। पवन सिंह की मुस्टैक हो या पवन सिंह का बाल हो, वो वैसे भी हमेशा अपने स्टाइल के लिए जाने जाते हैं और उनके बालों के लिए वो कुछ ज़्यादा ही जाने जाते हैं। चाहे वो फिल्म सत्या हो, धड़कन हो, उनका जो भी लुक आया उनके फैंस ने पूरी तरह से अपना लिया। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।